ठीक है यार, सैनिटाइजर है, इसी से तो घर चल रहा भाई। दो नंबर का काम चल रहा है हमारे यहाँ। सैनिटाइजर बेचने का। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। और अभी टाइम 9 बज रहे हैं और अभी थोड़ी देर में ही क्लासेस है ऑनलाइन, तो बस अपनी तैयारी व्यारी कर रहा था, सारा सेटअप कर रहा था ऑनलाइन क्लास का। गुड मॉर्निंग सर, सी माय ड्राइंग। वेट बेटा, ये है अपना सेटअप। अभी क्लास खत्म हुई है और अब भूख लग रही है, सुबह कैसे बैठे हुए हैं। तो पापा जी खाना खा रहे हैं, खा लो खा लो खा लो। मम्मी ने आज वो बनाए हैं छोले, काले छोले, ये रे काले छोले तक खाओ। तो आज वैसे ही शनिवार के दिन बनते हैं ना मम्मी, शनिवार को बनते हैं। अच्छा। वैसे मम्मी बड़ा अच्छा खाना बनाती हैं, वो देखो खुश हो रही है। हैं मुझे नंबर वन क्यों तो मेरे खाने में स्वाद नहीं है, वो तो मैं मजाक कर रहा था। वीडियो के जब ये वीडियो बना रहा था सुधर सा नहीं गया, तो ये मेरी बेइज्जती कर रहे हैं बेफालतू की। तो ये सिर्फ मेरी बेइज्जती कर रहे हैं और कुछ नहीं है, ऐसे ही बोलते रहते हैं। ज़्यादा ध्यान ना दो, हम अपने छोलों पे वो करते हैं कंसंट्रेट। तो यहाँ चाय बन रही है, तो मम्मी अभी बना रहे हैं। तो हमारे घर सारा दिन परांठे ही खाए जाते हैं, तो सुबह भी हम परांठे खाते हैं। और वैसे इतने खाने नहीं चाहिए लेकिन क्या करें, घर में परांठे ही बनते हैं। उधर पापा जी भी आराम से बैठे खा रहे हैं, सुबह ही बनते हैं, कोई ऐसा हर रोज थोड़ा बनते हैं। हाँ तो क्या होगा फिर, सुबह ही बनते हैं भाई, कर ले काम, कर ले, कुछ नहीं हो रहा। सुबह ही हवा चल रही है, देखो कितनी तेज, बड़ी तेज से हवा चल रही है, बारिश आएगी आज। देखो राहुल आया हुआ है। हेलो। तो राहुल वैसे LLB पढ़ रहा है, तो मेरी सिस्टर है वो एडवोकेट है, तो पढ़ने आता है उसके पास। मौसम बहुत बढ़िया है, बारिश आ गई भाई, वो बारिश आ गई हल्की हल्की। सो गाइस, अभी राहुल कह रहा है कि ना ओले गिर रहे हैं, पता नहीं ओले गिर रहे हैं, दिख रहे हैं कुछ कुछ, ऐसा लग रहा है जैसे ओले गिर रहे हैं। बोतल गिरी, देखो गाइस बोतल गिरी है, देखो मौसम मौसम है, मौसम ज़्यादा ही मौसम है करने का है। बोतल थोड़ी सी इधर गई, ये देखो बोतल को हवा से, देखो आप इसी से लगा लो हवा का, कितना प्रेशर हो रहा है इस टाइम। ये देखो ये ओले लग रहे हैं ना, ऐसे ओले आ रहे हो, बूंद से नहीं लग रही, ओले लग रहे हैं। मम्मी जी क्या बना रहे हो? अरबी। हैं? अरबी बना रही हूँ। अरबी कौन खाता है अरबी? कोई नहीं खाता, बाकी तो सब खावे। अरबी नहीं अच्छी लगती, अरबी 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 अच्छी नहीं लगती यार, अरबी अच्छी खाए। सो गाइस, बाहर बहुत बढ़िया मौसम हो रहा है, मम्मी कह रही है इंसान बन जा और अपनी दाढ़ी छोटी करवा ले। अब लॉकडाउन में तो नहीं करवा सकते, लेकिन लॉकडाउन के बाद करवाएंगे। तो ना हमें कोई जरूरत नहीं है काटने की, हम ऐसे ही ठीक है। तो एक बार इसने मेरी दाढ़ी काटी थी, तो ना ये यहाँ से काटने लगी, यहाँ से इसने ना यहाँ से सारी उड़ा दी ऐसे। तो वही है, अगर आप इनसे कटवाओगे तो बेकार ही है, इससे बढ़िया आप क्लीन से हो जाओ। फिर मैं क्लीन से हुआ, उसके बाद में पता कैसा लग रहा था, जैसे बच्चे नहीं होते, छोटे छोटे से बच्चे होते हैं, बिल्कुल वैसा लग रहा था। अभी मेरी दाढ़ी बढ़ रही है ना, तो दाढ़ी बढ़ रही है इस कारण थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन जब मैं दाढ़ी कटवा दूंगा तो मैं थोड़ा कम उम्र का हो जाऊंगा। ये देखो ये पढ़ने वाले बच्चे हैं, पेन ही लेके आया, और तू पेन ही लेके आता, बैग देखियो वहाँ पे। ले ले जाके बैग, ब्रांडी बैग पर, मतलब इतने आलसी हैं ये, अपना बैग भी ले सकते हैं ये, काट दिया इसको अभी और बढ़ा दे। वो देखो पापा पीछे से डांट, पापा पीछे से डांट रहे हैं। राहुल क्या कर रहा है फिर? राहुल क्या लिख रहा है? राहुल पेपर की तैयारी कर रहा है, ऑनलाइन पेपर की। राहुल क्या कर रहा है? आपको पता ही है ऑनलाइन आजकल पेपर कैसे दिए जा रहे हैं। मैं लेके आऊँ और कौन ले आएगा? तो गाइज ये इतने आजकल के इतने होनहार बच्चे, हमारे एडवोकेट साहब, आने वाले टाइम के एडवोकेट साहब। मम्मी ब्लैक पेन मंगा रहा है राहुल। अच्छा मैं लेके आता हूँ, इसमें पेन पड़े हैं बड़े सारे, तो देखो मैंने क्या क्या लिख रखा है इस पर। वो ये ले,
ये ले इसमें देख ले। आज लंच में है अरवी और हरी चटनी है और रोटी है। तो विक्की अगर आऊँगा अभी ऊपर बैठे हैं। हाँ जी क्या हाल है, ठीक हो तबीयत ठीक है? ठीक है। है फर्क पैर में? हाँ भाई क्या हाल है? बढ़िया। सही हो अब? हाँ ठीक है। ये सैनिटाइजर है। सैनिटाइजर यहाँ रख रखा है। और इसी से तो घर चल रहा भाई। इसको बेचते हैं, इसको बेच देते हैं। ये दो नंबर का काम चल रहा है हमारे यहाँ। सैनिटाइजर बेचने का। ये हमने दूसरा वर्क स्टार्ट कर दिया। कौन सा? साइड बाय साइड पार्ट टाइम वर्क स्टार्ट कर दिया। इनको देखने का? डेयरी का काम स्टार्ट करा है। लोग कितनी सारी भैंसें रख रखी है इन्हें? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 हैं और बाकी बच्चे हैं। अच्छा अंदर भी हैं। मैं आ गया हूँ अभी घर पे और अभी सब बैठे हुए हैं। पापा भी बैठे हुए हैं, मम्मी भी यहीं पे बैठे हुए हैं और अभी सोच रहे हैं कि मूवी देखेंगे। इधर हमारा जो आर ओ लगा हुआ है तो इसमें ना कुछ वो आ रही है, फिर अगर यहाँ देख रहे हो ना कि गंद सा है, पता नहीं क्या कैसे इसमें आने लग गया। तो मैं इसकी मेम्ब्रेन वगैरह भी चेंज करूँगा। टाइम हो रहा है 9:30 और हम डिनर वगैरह करेंगे। तो गाइस आज गोभी के परांठे बनेंगे। तो ये रही गोभी। पापा जी बैठे हुए हैं। तो पापा जी आपको व्लॉग्स वगैरह देख रहे हो आप हमारे? देख रहे हो? सही लग रहे हैं। तो अभी अभी स्टार्टिंग है ना पापा जी, तो धीरे धीरे हमारी इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। सही है, घर वाले बड़े सपोर्टिव हैं मेरे, तो मेरे को सपोर्ट करते हैं हर एक चीज़ में। पापा जी भी मेरे को पापा जी तो खैर स्टार्टिंग से ही सपोर्ट करते हैं। तो आज मैं अगर पेंटिंग्स वगैरह बना पा रहा हूँ, तो अगर मैं इतनी पेंटिंग्स वगैरह बना लेता हूँ तो पापा के कारण ही बनाता हूँ, क्योंकि पापा ही मेरे को सारा टाइम पेंटिंग्स के लिए कहते थे कि तू पेंटिंग्स बनाया कर। आपसे एक छोटी सी बात बोलनी थी कि प्लीज़ 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 आप मेरी वीडियोस को देखा करो, और अगर आपने बेल आइकन अभी तक प्रेस नहीं करा, क्योंकि जब भी मैं वीडियो डालता हूँ अगर आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आ रही तो प्लीज़ आप उस बेल नोटिफिकेशन को भी दबा दो, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं धीरे धीरे और अच्छी अच्छी वीडियोस बनाऊंगा, क्योंकि अभी मेरी स्टार्टिंग है तो अभी हमें कुछ इतना आता भी नहीं है बनाना, सही बताऊँ तो। लेकिन ये है कि जैसे जैसे और मैं वीडियोस बनाऊंगा तो मेरी और इम्प्रूवमेंट होती रहेगी। सो अभी चलता हूँ गाइज, मैं ये वाली वीडियो अभी एडिट करूँगा, और एडिट करने के बाद सुबह, खैर अभी हमारा टाइम फिक्स नहीं हो रहा सुबह का कि कब वीडियोज़ वगैरह आएँगी, लेकिन ये है कि मैं 12 बजे से पहले पहले वीडियो डाल देता हूँ। और अब मैं धीरे धीरे अपनी एक टाइमिंग बना लूँगा कि आपको 8 या 9 या 7 जो भी हमारा टाइम सेट होगा तो उस टाइमिंग के अंदर अंदर आपको हमारी वीडियोस मिल जाएंगी। तो कल का व्लॉग बड़ा स्पेशल होगा, क्योंकि कल हम पेंटिंग बनाएंगे और मेरी सिस्टर कह रही है कि मैं भी पेंटिंग बनाऊँगी कल एक। तो देखते हैं कल क्या बनाते हैं हम। तो चलते हैं गाइस, तो मिलते हैं आपसे कल के नेक्स्ट व्लॉग में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।